बाप से बात कर। सो हेलो गाइस, शाहरुख खान ने लिटरली गाइस सबके होश और हवास उड़ा डाले हैं। जी हां गाइस, तो जवान मूवी इतना खतरनाक तरीके से लेवल पर ये बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन कर रही है जिससे कि कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। एंड बड़े बड़े क्रिटिक्स एंड बड़े बड़े सुपरस्टार बड़े बड़े डायरेक्टर ने शाहरुख खान की एंड शाहरुख खान के डायरेक्टर की एंड अनिरुद्ध के विजय की इतनी तारीफ की है जिससे कि कोई अंदाजा नहीं लगा जा सकता। जी हां गाइस, तो अंदाजा क्या कि क्योंकि वाकई में ये मूवी बनी भी बेहतरीन जिससे कि रोंगटे खड़े हो सकते हैं। और ऑफिशियल तौर पर आज इस मूवी के हम 3 दिनों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करेंगे कि इस मूवी ने अपने 2 दिनों तक कितना कलेक्शन किया एंड लिटरली गाइस आज के दिन ये मूवी कितना कलेक्शन कर सकती है। तो पहले दिन की बात करते हैं, इस मूवी ने जो धमाका किया इंडियन नेट कलेक्शन में गाइस वो किया 65 करोड़ 50 लाख रुपए का। एंड अगर हम बात करते हैं इस मूवी के ग्रॉस की तो 74 करोड़ रुपए इस मूवी ने इंडिया ग्रॉस से कमाया। एंड पूरे वर्ल्ड वाइड की बात करते 129 करोड़ पे इस मूवी ने अपने पहले दिन कमाए। एंड दूसरे दिन की बात करें तो थोड़ा सा गिरावट देखने को मिली क्योंकि गाइस फ्राइडे का दिन था और फ्राइडे के दिन इस मूवी ने अपने दूसरे दिन इंडियन नेट कलेक्शन जो किया 48 लाख रुपए का किया। एंड ग्रॉस कलेक्शन की बात करें तो 52 करोड़ रुपए का। एंड पूरे वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो 106 करोड़ रुपए इस मूवी ने अपने दूसरे दिन कमा डाले। एंड तीसरे दिन की बात करते हैं यानी कि आज के दिन की, आज थोड़ा सा जंप देखने को मिलेगा गाइस क्योंकि आज सैटरडे का दिन एंड सैटरडे का दिन ये मूवी आज इंडिया नेट जो कलेक्शन करती हुई नजर आ रही है वो आ रही है 52 करोड़ रुपए का। जी हां गाइस, तो अगर हम बात करें इंडिया ग्रॉस की तो 55 करोड़ रुपए के आसपास की ये मूवी कमाई करती हुई नजर आ रही है। एंड पूरे वर्ल्ड वाइड की बात कर तो ये आंकड़ा और भी ऊपर जाता हुआ लगभग 107 करोड़ रुपए का धमाकेदार दिखा रहा है। जी हां गाइस, तो अगर पूरे वर्ल्ड वाइड की 3 दिनों की कलेक्शन की बात कर तो लिटरली गाइस शाहरुख खान ने सबको फाड़ डाला, सबको उखाड़ डाला। एंड 363 करोड़ रुपए मात्र और मात्र 3 दिनों के अंदर अंदर ये मूवी करने जा रही है पूरे वर्ल्ड वाइड के अनुसार। जी हां गाइस, तो फुल ऑन धमाका 250 से 300 करोड़ इस मूवी का बजट है जो कि वर्ल्ड वाइड के जरिए ये मूवी क्रॉस कर चुके हैं। एंड इंडियन नेट कलेक्शन की बात करें तो ये मूवी बहुत ही जल्द अपने बजट को रिकवर करने के बाद एक बहुत ही बड़ी सक्सेसफुल मूवी बन जाएगी जो कि शाहरुख खान की वन ऑफ द हाईएस्ट मूवी बन जाएगी पठान के बाद। जी हां गाइस, तो आपको कैसी लगी ये मूवी, आपने अगर देखी है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए दोस्तों कैसी लगी। अगर नहीं देखी है तो एक बार देख के आइए और कमेंट में जरूर बताइए आपको कैसी लगी। कैसे